तो हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन तो स्टूडेंट 2023 के जो पेपर का डर था वो 2024 हजार चौबीस में तो निकल चुका बट 2024 का पेपर हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि चुटकी बजाती हो जाएगा लेंथी पेपर था और कुछ क्वेश्चन काफी ट्रिकी थे कुछ क्वेश्चन हाँ आसान भी थे जैसा कि मैंने दिखाया भी कि नोट्स में से भी काफ़ी कुछ पूछा गया था ठीक है तीन की जगह चार चार की जगह पांच बस इतना ही फर्क था कई क्वेश्चन में तो ठीक है तो अब क्या करना चाहिए देखिए अब जो बच्चे अभी आपको पता रिजल्ट भी आ है अब बच्चों को अपनी गलतियां रिलाईज होना शुरू होगा जो मैं हर बार बता रहा हूँ पिछले एक साल से लगातार बताता हुआ आ रहा हूं, कि स्टार्टिंग से आपको सी चाहिए आपको स्टार्टिंग से कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा करो ताकि एंड में आपके ऊपर बर्डन ना आए स्टूडेंट्स की सोच क्या थी कि लास्ट के तीन चार महीने दो तीन महीने कर लेंगे और काम चल जाएगा ये वैसा एग्जाम बिल्कुल भी नहीं रह गया आप आप आपका प्रीलिम्स बहुत कुछ डिमांड कर रहा है आपसे बहुत कुछ मांग रहा है वो बोल रहा है कि कुछ करिए कुछ अलग करना पड़ेगा आपको जैसे साथ के साथ तैयारी चलाइए ताकि एंड में जो स्टडीज का जीएस आप बोलते हैं उसका बर्डन ना उठो मतलब उस पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े और उसकी तैयारी ना छूटे आपकी क्योंकि इस बार का भी आपने देखा पेपर अच्छा खासा था जीएस पेपर वन तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटी बनानी चाहिए कि आपके पास जो लेवल लेव बिल्कुल बरकरार मतलब आपको एंड तक प्रेशर ना झेलना पड़े वाला तो उसके लिए क्या करना आपको अभी ज्वाइन कर लेना सबसे पहले क्या करें एक कॉल मी एट नाइन फाइवलिक्स फाइव वन बिकॉज वी आर टारगेटिंग नेक्स्ट दो हजार पच्चीस फ्रेश बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है जिसमें एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्पिनेशन बिल्कुल मॉडरेटेड तरीके से होंगे एडवांस मॉडरेटेड मेथड के साथ साथ करेंगे और ऐसे करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब सिलेबस खत्म हो गया और ये स्ट्रैटर्जी बिल्कुल कारगर है क्योंकि जीएस पे हम ज्यादा बर्डन नहीं आने देंगे क्योंकि हम शुरू से अच्छे से क्वेश्चन करके चलेंगे क्लियर और दीज आर अवर एड्रेस ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहल्ले सेंटर यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एट नाइन फाइवलिक्स फाइव वन क्लियर

तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा तो आपने क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है चलिए आज हम इसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन ए एंड बी देखो रेशो एंड प्रपोशन के अंदर आपका पार्टनरशिप और एजिस भी आता है अगर बेसिकली मैं बात करूं रेशो में तो आपका एजिस और पार्टनरशिप भी इसके अंदर ही आता है ठीक है तो

बिल्कुल कि अगर मेरे को सौ रुपए मिल रहे हैं उसमें पांच परसेंट मैंने चैरिटी को दे दिए तो बचा हुआ कितना बचा? मेरे 95 देखो, एक बात याद रखना पार्टनरशिप का सबसे पहला रूल क्या होता है कि जिस, जिस रेशो में आपने इन्वेस्टमेंट की उसी रेशो में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है समझ आ गई बात कि अगर मैं कहूं यहां पे इन्वेस्टमेंट ए और बी की बस थ्री रेशो टू में तो जो तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्टूडेंट्स वो भी किस में होगी वो भी मेरी थ्री रेशो टू में ही होगी अभी मैं टाइम की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये टोटल इन्वेस्टमेंट का केस आता है वो जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो वहां पर करेंगे हम ठीक है सॉरी इसका मतलब देखो ए का शेयर अगर तीन था तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी शेयर तीन होना चाहिए आउट ऑफ फाइव टोटल कितना हो गया यूनिट ठीक है? अच्छा इस की वैल्यू मुझे चौबीस तीन पंचाय पंद्रह एक यूनिट की वैल्यू टू एटी फाइव तो स्टूडेंट यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फाइव इन टू एफ टू एटी फाइव मल्टीप्लाई करना बड़ा आसानी से कर सकते हो देखो इसको लेनस फिफ्टीन इंटू फाइव कितना हुआ 1500 इज क्यों ज्यादा मुझे एक तो 285 से कैलकुलेशन करनी है। एक सिर्फ मुझे 15 और किससे 300 से क्लियर तो मेरे पास क्या आ गया ये मेरे पास आ गया वन फोर टू फाइवल आ गया अब क्वेश्चन क्या कह रहा है टोटल प्रॉफिट इज क्या ये टोटल प्रॉफिट है आंसर में तो है ही नहीं ये मेरे पास 95% की वैल्यू इसका मतलब क्या है ये मेरे पास अगर मेरे पास टोटल प्रॉफिट हंड्रेड था मुझे नाइन्टी फाइव परसेंट की वैल्यू मिल गई यानी अगर मुझे उन्नीस की वैल्यू दी हुई है कितनी आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ट्वेंटी जल्दी से बता दीजिए कितनी वैल्यू नाइन उन्नीस की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास जल्दी से कैलकुलेट करें देखो क्या सेवन टाइम्स जा रहा है अगर ये सेवन टाइम जा रहा है तो वन थर्टी थ्री पे गया इंटू सेवन अच्छा और 133 पे अगर जाएगा तो 95 बचा 75 तो इसको भी 75 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना बचा वन डबल जीरो दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आराम से इस तरह के क्वेश्चन को करना बिकॉज दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूर सी सेट टू जीरो क्लियर सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो चलिए देखो अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट है

मैं चाहूँ तो अभी के भी आपको छुट्टियों में बता सकता हूँ बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ फिर वो नहीं आप सीख पाएंगे मतलब बेसिक्स शॉर्टकट अपने पास रखिए बट बेसिक समझने बहुत जरूरी है यही अभिमन्यु का वन से हमारा यही मोटो रहता है कि बच्चों को आप शॉर्टकट समझाइए बट आपको एक बेसिक तरीका भी आना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में शॉर्टकट डायरेक्टली नहीं लग पाता आपको हमेशा बेसिक से चलना पड़ता है दैट इज द रूल कि आपको पहले समझना है उसके बाद शॉर्टकट लगाना है कि पहले कई बार नहीं शॉर्ट कट लगा फिर क्या करेंगे छोड़ थोड़े ना देखो क्वेश्चन सपोज करो इसको मैंने कीपुट पुट कर दिया तो थ्री ए की वैल्यू कितनी है के, 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 के फोर सेवन सी टू के सी के बाय सेवन ठीक है अब मुझे क्या निकालना कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था

तो यह ट्वेंटी एट 21 ट्वेंटी किया था चलिए देख लेंगे क्लियर तो स्प्रेड ये कितना आ गया मेरे पास कितना आ गया देखो 40, 61 वन यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास फोर ट्वेंटी सेवन एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सेवन टाइम्स आगे, आगे मुझसे क्या पूछ रहा C share, C है सी शेयर सी कितना मेरे पास ट्वेल्व इंटू सेवन इज हाउ मच एटी फोर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर चलिए नोट कीजिए फिलहाल इसको नेक्स्ट पे चलते हैं फिर चलिए, चलिए। हो गया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन पे चलते, ये ये, बहुत अच्छा है, है है, काफी अच्छे क्वेश्चनों में से कई बार पूछ लेता है। आपको आना चाहिए कई बार अलग अलग डेटा, दिया। तो डेटा से हम कर लेंगे हमको समझ आ जाएगा चलिए इन अर आर है जिसके अंदर कुछ रेबिड्स कुछ हेड्स आर हेड्स

देखिए आप हिट एंड ट्रायल से या आप ऑप्शन लेके कर सकते हैं बट मेरा एक आपसे क्वेश्चन है सपोज करो आपके पास ऑप्शन नंबर डी ठीक हुआ मुझे नहीं पता अभी, वट इज आंसर इधर ए बी सी डी अगर मेरे पास ऑप्शन डी ठीक हुआ तो इसका मतलब एक क्वेश्चन को मैंने चार बार सॉल्व कर लिया तो मतलब यही हुआ ना अगर किस्मत अच्छी हो गया पहले भी आंसर निकल आए क्रॉस चेक करने के लिए आप करोगे तो जरूरी पता है आपको भी पता है एग्जामिनेशन बैठ के कितना प्रेशर होता है तो एज कंपेयर टू ऐसे मेथड के आप एक ऐसे यूनिक मेथड लगाइए कि क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़े बिल्कुल आराम से एक ही बार में आंसर आ जाए वो भी बीस से चालीस सेकेंड में और ये क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये हमेशा आपने करना है एलिगेशन से याद रखना हमेशा आपने किससे करना है स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन आपने ऑलवेज 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 एलिगेशन से ही हमने सॉल्व करना है अब देखिए अब मैं बात करता हूं रैबिट्स की ठीक है देखिए रैबिट की चार टांगे होती हैं। भाई किसी का रैबिट लंगड़ा नहीं होगा याद रखना कोई दिमाग में ही नहीं सोचेगा कि किसी की तीन टांगे हुई दो हुई नहीं भाई चार स्टैंडर्ड लेग्स होंगे ठीक है फोर लैक्स सेम पीजन की दो लैक्स अच्छा एक बात बताओ अभी एक डाटा दिया है थ्री फोर्टी एट्स मतलब रेबिट्स प्लस पीजन कितने अब देखो करना क्या इस क्वेश्चन में ध्यान से समझ लो पेन कॉपी थोड़ा साइड रख दो थोड़ा समझ लो अगर एक बार क्वेश्चन समझ आ आगे जिंदगी भर कोई भी एग्जाम दे लेना जहां ये क्वेश्चन आएगा कभी गलत नहीं करोगे ये मेरी गारंटी है ठीक है देखिए अगर मेरे पास 340 के 40 रैबिट्स हैं अगर आपने सोचना क्या है कि सारे के सारे अगर मेरे पास रैबिट होंगे तो क्या होगा एक रैबिट की चार लेग तो 340 सौ चालीस गुना चार अट्ठासठ कितना हो गया आपके पास तो, तीन सौ गुना चार बारह सौ प्लस एक सौ साठ कितना हो गया क्या तेरह सौ साठ हुई ये बताओ कि अगर रैबिट्स को हम देखेंगे मेरे पास 1360 लेग्स होनी चाहिए अच्छा नेक्स्ट पीजन की बात करो दो लेग हैं अगर सारे के सारे पीजन हैं 340 2 2 68 यानी 680 लेग्स होंगे बट अल्टीमेटली क्वेश्चन इज सेइंग वी हैव 10 60 लेक्स 10 60 लेग्स अब आपने क्या करना है देखो मैं बताता हूं आपने अब ऐसे इसको माइनस करना है और इसको ऐसे माइनस करना जैसे मैंने लगा रखे हैं आपने कुछ देखा बड़े में से छोटे को माइनस करो यानी 1060 माइनस ऑफ 680 एंड 1360 माइनस ऑफ 10 60 जल्दी से इसको कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितना है आपका देखो ये तो साफ-साफ कितना आ गया ये तो साफ-साफ 300 साफ दिख रहे हैं देखो अब माइनस करने का तरीका क्या है आपको क्या करना है 1060 में से 680 माइनस करना है। अब मेरी बात सुनो सपोज करो ये आपका 1080 होता माइनस ऑफ 680 आसपास के नंबर है बीस बढ़ा दो क्या हो गया बाद में घटा देना अगर ये 1080 होता 1060 की जगह तो माइनस करके कितना आना चाहिए था मेरा 400 या कितना नंबर बढ़ाया 20 माइनस कर दो आंसर इस 380 तो ऐसे आपने अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है खुद ब खुद मेरे यहां पे करके दिखाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लोग प्रैक्टिस के टाइम उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू करोगे इंप्लीमेंट एक चीज को और कर लो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ठीक है ये कितना होगा देखो वन यानी नाइनटी यानी अगर मैं बात करू रेबिट रेशोन कितना गया अब स्टूडेंट्स को एक और दिक्कत आती है वो यहां पे पहुंच जाएंगे रीच आउट देर बट एंड में ये दिक्कत होती है कि रेशो किस चीज की है कि रेबिट और किस चीज के लिए हम दो तो लेग्स लिए तो एक्चुअल डाटा की कैसे आ सकती है मतलब कैसे आ सकती है देखो अब यहां पे यूनिट्स का खेल है अगर मैं बात करूं फोर लेग क्या बोलोगे फोर लेग पर रेबिट और ये क्या होगा टू लेग पर पिजन आप जब एलिगेशन आप लगाओगे यूनिट्स आपको पता होने चाहिए कि ये पर दिख रहा है पर के साथ वाला जो क्वांटिटी है ना वो यही आएगी सपोज करो मेरे पास कॉस्ट प्राइस होता है यहां पे भी मैं कॉस्ट 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 प्राइस 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 ले रहा पे पे भी यहां पे भी और क्या होता है रुपीज पर के तो ये किसका रेशो आता है जब माइनस करते आप क्वान्टिटी का दो किलोग्राम चार किलोग्राम ऐसे तो ये बहुत डेप्थ में समझाया मैंने आपको क्लियर तो स्टूडेंट यहां से 19 प्लस

गोल्ड है सिल्वर है ठीक है इसमें क्या फोर्टी परसेंट गोल्ड है मेरे पास और सिक्सटी परसेंट सिल्वर है शुरू में जब तक नीड ना हो रेशो में इसको चेंज मत करो फायदे में रहोगे ठीक है अच्छा और एक और क्या है अलोय बी में क्या है मेरे पास अलोय बी थर्टी फाइव परसेंट गोल्ड फोर्टी परसेंट सिल्वर एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉपर

एंड सेकंड बाय फोर इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर नहीं करते अगर सपोज करो इसको आप में तोड़ देते ठीक है अगर नहीं आती फिर कुछ और बनाना पड़ता आपको समझा की बात चलिए तो ये कितना होगा देखो ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्टी सिक्सटी और जीरो बी की हम बात करेंगे स्टूडेंट कितना थर्टी फाइव थर्टी फाइव इंटू फोर इज सोर्टी वन सिक्सटी लास्ट वन इज हंड्रेड और ये क्वांटिटी मेरे पास हंड्रेड है और ये क्वांटिटी मेरे पास फोर हंड्रेड टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी फाइव हंड्रेड होगी टोटल अब मिला दिया ना आपने इन दोनों को लोए एंड लोए एंड अलोए का मतलब मिला दिया इनको ठीक है अब क्या बोला जा रहा है गोल्ड एंड सिल्वर देखो गोल्ड कितना हुआ गोल्ड की अगर बात करूंगे दिखेगा आपको बिल्कुल गोल्ड हुआ वन एट्टी और सिल्वर कितना हुआ टू ट्वेंटी कॉपर की बात ही नहीं कर रहे हो सो गोल्ड की बात करेंगे अगर One eighty out of five hundred into of hundred percent that is thirty six percent. If I am talking about silver, two twenty divided by five hundred into of answer is forty four percent. So thirty six and forty four where are the so option number B containing thirty six percent of gold and forty four percent of silver. So do like, share, subscribe. व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए कोई डाउट हो कोई परेशानी हो तो नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव वन इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं <coughs> इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट इस ये अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है the number of oranges in three baskets are in the ratio 3 4 5 in which ratio the number of oranges in first two basket must be increased so that the new ratio becomes 5 4 3 question already kar chuke main sir kahan kiya tha thoda samjhao कल हमने question किया था इसका answer दस था कि आपने दो liquids को लिए I think alcohol and water था Water आपने add किया था कुछ आपको बताना था आंसर था इतना मुझे याद क्या किया था उसमें मैंने बताया था कि आपको कांस्टेंट क्वांटिटी देखनी है क्या देखनी है आपको वी हैव टू लुक फॉर कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी को देखना बिल्कुल यही है देखिए अब मैं बात करूं बास्केट वन थ्री बास्केट्स बास्केट, बास्केट � रेशो बास्केट टू रेशो बास्केट थ्री ये अच्छा इस पहले में कितना दिया भाई पहले तीन है फिर चार है फिर पांच इनिशियली ठीक है और फाइनली क्या हो गया मेरे पास दो दैट न्यू रेशो बिकम्स फाइव फोर थ्री फाइव रेशो फोर रेशो थ्री देखो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पढ़ा कि द नंबर ऑफ ऑरेंजेस मस्ट बी इंक्रीज इन फर्स्ट टू बास्केट

बीस पंद्रह क्लियर तो अगर मैं बास्केट वन की बात करूं सोलह का एडिशन हुआ बास्केट टू की बात करूं आठ का एडिशन हुआ मुझे क्या कह रहा है वर्थ रेशो तो सिक्सटीन रेशो ऑफ आंसर इज इस... टू रेशो वन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन क्लियर नोट कर लीजिए फटाफट इसी उतना फटाफट नोट करिए प्लीज इसको वॉज वेरी इजी क्वेश्चन चलिए लेटेस्ट प्रोसीड टू क्वेश्चन आज का अगर मैं बोलू सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है तो भाई यही है सबसे अच्छे क्वेश्चन में से थोड़ा लेंथी जरूर है बट हाँ लॉजिकल क्वेश्चन है समझ के करने वाला क्वेश्चन चलिए इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो होपफुली आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया नहीं किया तो करिए अभी के अभी इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम द नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट वॉज फोर टाइम्स द फेल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पास्ट और फेल तो अगर मैं बोलूं फोर के रेशो के चलेगा जो तो पास वाले हैं फेल वाले से चार गुना तो टोटल कितने हो गए मेरे पास

ठीक है एंड नाइन मोर फेल यानी नो और फेल हो जा सकते हो जाते हैं तो क्या ये मेरे पास पास वाले आ जाएंगे पास वाले तो निकालने पड़ेंगे ना क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है द रेशो ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट वुड हैव बीन टू रेशो वन बट अभी तो पास प्लस फेल मेरे पास है नहीं तो आप क्या बोलोगे जो पास हुए प्लस जो फेल हुए टोटल के बराबर होगा इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो पास वालों का पता नहीं कितने फेल वाले कितने प्लस के प्लस नाइन टोटल कितने फाइव के माइनस थर्टी फाइव तो कितना हो गया फाइव के माइनस थर्टी इसको मैं वहीं कर लेता हूं तो ये कितना हो गया मेरे पास फाइव के माइनस थर्टी फाइव माइनस के माइनस फोर्ट नाइन यानी फोर के माइनस फोर्टी फोर के इतने आए चेक करो एक बार क्या फोर के माइनस फोर्टी फोर आया यस yes. अब मेरे पास पास वाले कितने आ गए यानी पास और फेल का पास अपॉन फेल यानी फोर के माइनस फोर्टी फोर अपॉन के प्लस नाइन तो ये कितना दिया वो दियान ये निकालना अपना है अपना आंसर आ जाएगा जल्दी से नोट कीजिए और आंसर बताइए प्लीज जल्दी से इसको नोट कीजिए और आंसर बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है? कुछ नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। 4k माइनस 44 इज़ टू तो 2k प्लस ऑफ़ 18। तो कितना हो गया? 4k माइनस 2k इज़ टू तो 18 प्लस ऑफ़ 44। 2k इज़ टू कितना का? 62 वैल्यू आ आपके अब मुझे क्या बोल तो बताना है. तो मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए बेसिक्स पकड़ के चलिए किसी की मत सुनो अपनी सुनो यू यूनिट क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करनी शुरू करेंगे बच्चों स्टूडेंट्स तब जाके एक अच्छा रिजल्ट जनरेट होता है याद रखना परफेक्शन टाइम के साथ आएगी परफेक्शन प्रैक्टिस के साथ आएगी मैं जितने मर्जी क्वेश्चन करा लू जब तक आप अपने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको कोई भी नहीं यहाँ पे सिर्फ YouTube के सेशन देखने से फायदा नहीं मिलेगा आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा अपने डाउट्स बताने पड़ेंगे ठीक है मेरे साथ आओ ठीक है बताओ जब बात चलेगी अच्छी ठीक है और स्पेशली WhatsApp ग्रुप को तो प्लीज अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास चलिए कल हमने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था आज हमारा इनकम इनकम का क्वेश्चन है चलिए देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझू इनकम क्या होती है मेरी <coughs> <coughs> एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स मतलब जो मेरे पास टोटल पैसा आया उसमें से कुछ मैंने खर्चा किया और कुछ मेरा बच गया यही हुआ और खर्चा और जो बचा उनको टोटल मिला दूंगा तो मेरे पास मेरी इनकम आ जाएगी जितना मैंने इनकम अर्न किया ठीक है द इनकम ऑफ टू परसन ए और बी इन द रेशो थ्री रेशो फोर अगर मैं इनकम की बात करता हूं स्टूडेंट्स ए और बी की किस रेशो में दिया थ्री रेशो फोर के फोर के ले सकता हूं इसे मैं बिल्कुल ले सकता हूं इफ ईच सेव्स हंड्रेड पर मंथ देखो अगर मैं बात करता हूं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स मुझे एंड में किसका रेशो दिया है इस सॉरी रुपीज नहीं आएगा इस वन रेशो इन द क्वेश्चन द फाइनल रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर इज गिवन टू मी मतलब मुझे क्या दिए मुझे दिए ई वन रेशो ई टू दिए कितना दिया स्टूडेंट्स वन रेशो तो अगर मुझे ई वन रेशो ई दिया हुआ है तो क्या ये मेरे पास रेशो के बराबर मतलब मुझे ई वन ई टू चाहिए तो यहाँ पे आई वन ई वन एस वन लिख दूं। तो ऐसे E1 ई वन कितना आएगा मेरे पास आई वन माइनस एस वन सो आई टूल टू टू प्लस ऑफ एस टू टू क्या आ गया आई टू माइनस ऑफ एस टू क्लियर तो ये कितना आएगा मेरे पास सेविंग्स कितनी है मेरे पास यहाँ भी हंड्रेड रुपीज और यहाँ पे भी हंड्रेड रुपीज है तो फाइनल एक्सपेंडिचर क्या आएगा थ्री के माइनस हंड्रेड और फोर के माइनस हंड्रेड और एक किसके बराबर दिए हो मुझे पर टू ये मुझे फाइंड आउट करना होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको क्योंकि अलग अलग एक्सपेंडिचर प्राइस प्राइसेंटू क्वांटिटी होता है इनकम क्या होता है मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स तो दो चीजें अलग अलग है याद रखिएगा इन्हें थ्री के माइनस ऑफ हंड्रेड अपॉन फोर के माइनस ऑफ हंड्रेड इजल टू वन बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें टू फोर के माइनस ऑफ हंड्रेड कितना माइनस ऑफ फोर के माइनस हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास हंड्रेड के की वैल्यू कितनी है फिफ्टी तो मुझसे क्या पूछा फाइंड इंटू फिफ्टी इज हाउ मच इट्स फोर इंटू फिफ्टी इज हाउ मच डेढ़ सौ और दो सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन क्लियर तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो और प्लीज कमेंट कीजिए आपको सेशन कैसे लग रहे हैं क्या आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप इस नंबर पे नाइन फाइव वन सेवन आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और स्टूडेंट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं कोई क्वेश्चन